मैं शुरुआत इसी बात से कर रही हूं भाई, आपके तमाम बड़े नेता ये कहते हैं देश संविधान से चलेगा, और जैसे ही चुनाव आएंगे वो संविधान मेज की दराज में रख दिया जाएगा और बंटेंगे तो कटेंगे, सीधा हिंदू मुसलमान पर चुनाव लड़ते दिखेंगे आप। नमस्कार गर्मा बहन, आज तो मैं आपके स्टूडियो में नहीं हूँ, आज आपको आवाज ऊंची भी नहीं लगेगी, मेरा डेसिबल लेवल मेरे ख्याल आप मैनेज भी कर लोगे, कंट्रोल भी कर लोगे ना, क्योंकि आपको हमेशा शिकायत रहती है कि मैं थोड़ा ऊंचा बोलता हूँ। पर गर्मा बहन, ये जो आप कह रहे हैं कि हिंदू और हिंदुत्व की बात करने वाली बात, परंतु अभी आपने अपनी इंट्रोडक्शन में कहा कि हिमंता बिस्वा शर्मा वहाँ पर झारखंड के इंचार्ज हैं, असम के इंचार्ज हैं, तो असम के मुख्यमंत्री हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा की कौन सी ऐसी सरकारी योजना है जो मुसलमानों के विरोध में है, जो योजना मुसलमानों तक नहीं पहुंचती या मुसलमानों के लिए अलग कर दी जाती, ऐसा बता दीजिए आप। सरकार अपनी जगह है, जब गवर्नेंस की जाती है तो कभी भेदभाव नहीं किया जाता। आज भी मोदी जी की जो योजनाएं हैं वो किसानों के लिए हो, वो सिर पे छत देने के लिए हो, वो आयुष्मान भारत की हो, उसके जो बेनिफिशरीज हैं कि कृपा करके चेक कर लीजिए डेटा, लगभग 33-35%, 36% तक मुसलमानों को मिलता है, हालांकि पॉपुलेशन 16-17-18% होगी, डबल मिलता है। तो इसलिए ये जो आप नैरेटिव बिल्ड करती है ना कि नहीं नहीं कि जैसे सरकार हिंदुस्तान में कोई भेदभाव किया जाता है सरकार चलाने में, हिंदुस्तान में भारत की सरकार कोई भेदभाव करती है, कहीं कुछ भेदभाव नहीं, सबके लिए बराबर। तो ये उनका वोट बैंक और हमारा वोट बैंक, फिर इस तरह के बयान, अगर भेदभाव नहीं है तो मैं आपने प्रधानमंत्री मोदी का ही जिक्र किया, मैं उन्हीं का बयान कोट कर देती हूँ, उनका वोट बैंक एक रहेगा, बाकी लोग आसानी से बढ़ जाएंगे। समझाइए फिर आरपी सिंह, मैं दो चीजें अलग अलग बता रहा था, मेरा चैलेंज स्वीकार करिए गर्मा बहन, एक स्कीम ऐसी बता दीजिए भारत सरकार की या किसी हमारे राज्य सरकार की जहां पर ये डिफरेंशिएशन होता हो कि ये मुसलमान के लिए, हिंदू के लिए, इस जाति के लिए, उस जाति के लिए, वो सबके लिए बराबर बेनिफिशियरी स्कीम सबके लिए बराबर है। और मैं आपको वो समय बताता हूँ जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी यूपी के अंदर, तब तय किया जाता था कि मुसलमानों का गांव है इसमें बिजली जाएगी, हिंदुओं का गांव तो बिजली नहीं जाएगी, कितने घंटे काम कट लगेगा वो गांव के हिसाब से, जाति के हिसाब से, वो धर्म के हिसाब से तय होता था। आज ऐसा नहीं है, तो मैं भी चैलेंज दे रही हूँ ना आरपी सिंह आपको, सुनिए तो सही, अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो मेरा चैलेंज आप स्वीकार कीजिए। ये बयान जो है इसका मतलब मुझे समझा दीजिए, उनका वोट बैंक तो एक रहेगा और बाकी लोग आसानी से बट जाएंगे, ये किसका वोट बैंक है? जी जी जी, मैं जो उनका वोट बैंक है किसका है, उत्तर सुनिए। जी जी, उनका वोट बैंक कैसे, उनका वोट बैंक है जब राहुल गांधी कश्मीर में जाकर एक जर्नलिस्ट से कहते हैं कि हम तो मुसलमानों की पार्टी हैं, जब कमलनाथ बंद कमरे में कहते हैं कि हमको तो सिर्फ मुसलमानों के वोट चाहिए, बाकी वोट नहीं चाहिए, तो वो एक टारगेट कर वोट बैंक को टारगेट कर रहे हैं। वो हर बार पे ये कोशिश करते हैं कि हम किस प्रकार से एक धर्म का वोट इकट्ठा कर लें और बाकियों में से कुछ वोट हमको मिल जाए तो हम सत्ता में आ जाए, ये तो है। और आपने कहा कि ये जो एक्सपेरिमेंट है, जो ये जो आपने ये कहा कि हिंदुओं को इकट्ठा करने की, आपने अभी हमारी पार्टी की 2 सीटें गिनाई, ये ना याद करिए 2 सीटें क्यों आई थी। देश की सबसे ज्यादा जो राष्ट्रवादी कौम है, जो राष्ट्रवादी पंथ है, जो जो धर्म है, वो है सिख, सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी, चैलेंज के साथ कहता हूं, और उनको काट कर आपने हिंदुओं का वोट जुटाया था, काट कर सिखों को खाटा था देश में, गले तो से अगर कांग्रेस ने कुकर्म किए, अगर कांग्रेस ने पाप किए आरपी सिंह, तो आप जस्टिफाई, राहुल गांधी ने कहा कि भाई हम मुसलमानों की पार्टी जम्मू कश्मीर में, कमलनाथ ने बंद कमरे में कहा हम मुसलमानों की पार्टी, तो जो कांग्रेस ने कुकर्म किए उसके बाद आप नोटिफाई हो जाते हैं कि भाई वो कुकर्म आप भी करेंगे, आप भी हिंदू मुसलमान करेंगे। मैंने कब कहा आप, अरे मैंने कब कहा हमने, मैंने अभी आपको बताया ना कि हमारी गवर्नेंस में कहीं फर्क नहीं, उनकी गवर्नेंस में भी फर्क था, उनके गवर्नेंस में फर्क था, परंतु जब मैं हिंदुत्व, अब जरा हिंदुत्व की बात भी कर लें, ये जो स्वाभिमान यात्रा लेकर निकले हुए गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि मुसलमान अगर एक थप्पड़ मारेगा तो हम मिलकर जमा होकर 100 थप्पड़ मारेंगे, इस बयान का मतलब समझा दीजिए आरपी सिंह, अगर ये हिंदू मुसलमान नहीं है तो। घर में मुझसे आज गलती होगी, मुझे स्टूडियो में ही डिबेट करने की आपके साथ, क्योंकि आप सुनने को तैयार नहीं होती, बीच में काट देती हैं, परंतु जो मूल बात है वो ये है कि
आपको जरा हिंदू की परिभाषा समझ लें पहले। अच्छा, हिंदू की परिभाषा जो सुप्रीम कोर्ट की समझ लें उससे स्पष्ट हो जाएगा मामला। जो कहते हैं कि एक जीवन पद्धति का नाम हिंदू है, अब जो उस जीवन पद्धति में नहीं पड़ता वो अलग है, उसमें कोई शक नहीं है। वो अपने आप को उस जीवन पद्धति का, जो भारत की जो मूल जीवन पद्धति है, अपने आप को उसका हिस्सा नहीं मानता। और जो कहते हैं नहीं हमारे तो संबंध अरब के साथ हैं, बाकी किसी देश के साथ हैं, उसके लिए अलग, इसलिए अलग बात होती है। परंतु आपने कभी ये नहीं पूछा कि आप बंद कमरे में बैठकर कहते हो मुसलमान इकट्ठे हो जाओ, तब आपने कभी एक बार भी प्रश्न, मैंने एक डिबेट आप क्या नहीं लीजिए अपनी एक डिबेट धारी, जब आपने करी हो डिबेट, आपने कभी एक डिबेट करी हो, जब वो अपने आप को मुसलमानों की पार्टी कहते हो, जब वो एएलडीएफ से एसडीएफ से एएमएम से मुस्लिम, अरे एक मिनट गरिमा बहन, आरपी सिंह सुनिए, मोनोलॉग नहीं चल रहा ना मेरी बात, जो मैंने आपको चैलेंज दिया, कांग्रेस मुसलमानों पर कुकर्म करती है, अपने आप को मुसलमानों की पार्टी घोषित कर देती है, तो आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाता है आप भी हिंदू मुसलमान करेंगे, ये मुझे बता दीजिए जरा भाई, बड़े सलीके से ये बताइए कि महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे। और जो आज कहा दत्तात्रेय होसबोले ने कि ये साजिश है हिंदुओं को बांटने की, तो कौन कर रहा है ये साजिश, इतना ही बता दीजिए। देखिए दत्तात्रेय होसबोले जी का जो बयान है वो अपने परिपेक्ष में राजनीतिक बयान अपनी जगह है, दो अलग अलग हैं। वो सामाजिक चिंता कर रहे हैं कि हिंदू इकट्ठे रहें, जब हिंदू इकट्ठे होने की बात करती है तो राष्ट्र प्रेमी हैं, जो राष्ट्रवादी हैं वो इकट्ठे रहें, वो हिंदू हैं, और जो राष्ट्र विरोधी हैं, जो राष्ट्र के अंदर पीठ पे छुरा घूमने की बात करते हैं वो अलग है। परंतु जो जुलूस निकला देख लीजिए ना वहां पर, अरे सुनिए ना, अरे बताएंगे तब, हर बात पे हर सेंटेंस पे टोकेंगे तो मैं चुप हो जाता हूँ, जाता हूँ, धन्यवाद बहन, आप हर सेंटेंस पे टोकेंगे, एक बात पूरी नहीं, आप हलक से आप मेरा हलक दबा दीजिए ना, आप हलक दबा दीजिए, आप वही कर रही हैं जो बाकी लोग करते हैं, ये देश विरोधी लोग, ये उनका वोट बैंक, इनका वोट बैंक, हिंदू मुसलमान, ये क्यों हो रहा है ये तो समझाइए ना बहन। प्रियंका वाड्रा का जो जुलूस निकला कल वहां पर, जो उनकी उनके नॉमिनेशन का जो सॉरी माफी उनका जो नॉमिनेशन का जुलूस निकला, जरा उसमें बता दीजिए क्या कांग्रेस का एक झंडा था, जरा देखकर जरा वीडियो चला दीजिए कि कांग्रेस पार्टी के कितने झंडे थे और मुस्लिम लीग के कितने झंडे थे, सर मुस्लिम लीग के झंडे थे, फिर कांग्रेस भाई, कांग्रेस में कह रही हूँ, कांग्रेस ने अगर अखिलेश प्रताप बैठे हैं, कांग्रेस ने अगर कुकर्म किया मैं सवाल पूछूंगी, लेकिन पहले ये बताएं मुझे आरपी सिंह कि प्रधानमंत्री ने वाशिम में जो बयान दिया कि भाई इनका वोट बैंक इंटैक्ट रहेगा, कौन है ये, किसका वोट बैंक है ये बैंक, स्पष्ट है ना। जो लोग एक वोट बैंक को टारगेट कर स्कीम्स लॉन्च करते हैं, वो कहते हैं कि मुसलमानों का पहला अधिकार है देश के संसाधनों में, मैंने नहीं कहा था, ये देश के प्रधानमंत्री तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के बयान है कि मुसलमानों का पहला अधिकार है देश के संसाधनों में, हमने थोड़ा कहा था, तो वो वोट बैंक के मद्देनजर रखते हैं। सरकार जाने के कुछ घंटे पहले दिल्ली की 123 प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड को दे जाते हैं, देश के अंदर कानून लेकर आते हैं जिसके कारण से अगर कोई झगड़ा हो जाए हिंदू मुसलमान का तो उसमें दोषी हिंदू होगा, मुसलमान दोषी नहीं होगा, उसमें दोषी हिंदू होगा, ठीक है। तो ये बांटने का काम तो हमने किया नहीं, हमारी तरफ से कोई ऐसा बता दीजिए, एक मिनट, हमारी तरफ से कोई ऐसा कानून बता दीजिए, कोई ऐसा कानून लेकर आए हो कि नहीं नहीं सारी देश की सारी प्रॉपर्टी हमने हिंदू मंदिरों को दे दी हो, या हमने कहा नहीं 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 अगर हिंदू मुसलमान का झगड़ा होगा तो उसका दोषी मुसलमान होगा, ऐसा तो नहीं है। ये तो कॉमनल वायलेंस बिल याद होगा आपको, भूली ना हुई तो क्या कि जो लोग बांट रहे हैं देश को धर्म के नाम पर वो बांट रहे हैं, जिन्होंने धर्म के नाम पर राजनीति करनी वो कर रहे हैं, हम तो देश को एकजुट रखना चाहते हैं। और हाँ, और देश की संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है, वो संस्कृति 80% को एकजुट रखने के चक्कर में 20% को आप साइडलाइन कर देते हैं। मैं बहन वापस कहता हूँ गरिमा बहन, मेरा चैलेंज सरकार करेगा, भारत सरकार की, हमारे राज्य की कोई एक स्कीम बता दी, और मैं आपको स्कीम बनाऊंगा, जबकि अखिलेश यादव की सरकार थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाई ये बयान मैं आपको बता देती हूँ 21 अप्रैल का, कि कांग्रेस अगर सत्ता में आ गई तो माताओं बहनों के सोने का हिसाब लगाएंगे, इसके बारे में जानकारी लेंगे, फिर उस संपत्ति को बांटेंगे, और किसे बांटेंगे, जो मनमोहन सिंह ने कहा था कि भाई मुसलमानों पर पहला अधिकार, तो देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो इसका मतलब किसे बांटी जाएगी संपत्ति, उन लोगों को बांटी जाएगी जिनके ज्यादा बच्चे हैं, घुसपैठियों में बांटी जाएगी, तो ये 80-20 का खेल करना है ना, कांग्रेस 20 का खेल करती है, आप 80-20 का खेल करते हैं।
होगी बहन आपकी बात, इसमें झूठ क्या है कि ये तो आप खुद मान रही है कि मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि भारत के संसाधनों में पहला अधिकार होगा तो मुसलमानों को हमने थोड़ा कहा था। अब उसी को अगर हम रिक्रिएट कर देते हैं कि भैया आपकी संपत्ति खोंसकर किनको दी जाएगी, हाँ। जिनके लिए वो कहते हैं कि उनका पहला अधिकार होगा, हमारी सरकार में कई डिफरेंशिएशन नहीं है, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, किसी भी मुसलमान और हिंदू के अंदर को लेकर कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, या सिखों को लेकर या क्रिश्चियन को लेकर कहीं डिफरेंशिएशन नहीं है। हाँ, उनकी सरकारों में है, अभी हाल में कर्नाटका के अंदर जिस प्रकार से हुआ वो सबने देखा, तो कुल मिलाकर जिस प्रकार से आपने उन दंगाइयों को छोड़ दिया, कांग्रेस हिंदू मुसलमान करती है, कांग्रेस मुसलमान मुसलमान करती है तो आप हिंदू हिंदू करेंगे और ये सर्टिफिकेट मिल जाता है। अनुप्रिया, आप इस बयान से सहमत हैं जो कह रहे हैं गिरिराज सिंह बिहार के भीतर, कि आपकी पार्टी इस बयान को एंडोर्स करती है गिरिराज सिंह के, और केंद्रीय मंत्री में याद दिला दूंगी आपको कि भाई अगर मुसलमान एक थप्पड़ मारे तो मिलकर जमा होकर 100 थप्पड़ हम मारेंगे, और इसीलिए कह रहा हूँ एक साथ मिलकर रहो, एक साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, बंटोगे तो कटोगे। जब ये कहा जाता है कि हमको, ठीक है आरपी सिंह, जब कहा जाता है कि हमको 15 मिनट दे दो और हम सबको निपटा देंगे, जब ठीक होता है, जब वहां पर अखिलेश यादव के सामने उनका नेता बयान देता है कि हम 8 हो जाए तो हम बता देंगे, तब ठीक होता है। मानिए फिर कि आप टिट फॉर टैट कर रहे हैं, और फिर ये भी मानिए कि आबू आजमी जब बयान देता है कि हम 8, हमको 2 की जगह 8 कर दो, हम सब निपटा देंगे, मानिए ना फिर भाई। नहीं, देश तो संविधान से चल रहा है, मेरा आप फिर गलत कर रही है बहन, आप बताइए देश कहाँ संविधान, मेरा चैलेंज से कार्य करना गरिमा बहन, कहने से पहले एक 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 बता दीजिए कहाँ पर देश संविधान से चल रहा, मुझे बता दीजिए कहाँ पे। लौटूंगी मुझे, मेरा चैलेंज आप स्वीकार करिए ना पहले, कि ये जो बयान आया कि मेरा चैलेंज आप स्वीकार करो ना, कि देश के संसाधनों पर कहां किसी एक धर्म के लोगों की अधिपत्य है। अरे भाई इतने सारे बयान है, इतने सारे बयान पढ़ दिए, लोगों का अधिकार होगा, वोट बैंक अटैक रहेगा, जितने बाबर हैं उनको सबको लात मार के बाहर निकालेंगे, एक मुसलमान थप्पड़ मारेगा तो हम 100 थप्पड़। बहुत अच्छा था बहन, सुनना एक मिनट, जाना नहीं, छोड़ना नहीं, अब रुकना एक मिनट, रुकना बहन, रुकना एक मिनट, रुको रुको बहन, रुको एक मिनट, सुनो एक मिनट, मैं कह रहा हूँ जितने बाबर है उनको लात मैं मारूंगा, जो बाबर की सोच रखता हूँ देश के अंदर, मैं कह रहा हूँ ऐसी मार पड़ी कुरला ने तय की दर्द न आया, बाबर ने इतने अत्याचार किए थे कि गुरु नानक देव जी को कहना पड़ा, इतनी मार पड़ी अकेले रहते हुए आपको दर्द नहीं आ रहा, आप उस बाबर के पक्ष में खड़ी है, आप उस बाबर के समर्थन में खड़ी है, आप औरंगजेब के जो लोग जाकर मजार पर खून चढ़ाते हैं उनके पक्ष में जाकर खड़ी हो जाएंगी। कौन है वो बाबर की औलाद है भाई, ये क्लियर कीजिए ना आरपी सिंह। जो देश को बांटना चाहती, जो देश को धर्म के नाम पे बांटना चाहते हैं वो बाबर की औलाद है। कौन है वो जो देश को धर्म के नाम पे बांटना चाहते हैं वो बाबर की औलाद है। कौन है आप इंडिकेट, आप ये जो इशारों में जो औरंगजेब की जो औरंगजेब की मजार पर जाकर चादर जो औरंगजेब की मजार पर जाकर चादर चढ़ाते हैं वो बाबर की औलाद है। जो बाबर की मजार पर जाकर फूल चढ़ाते हैं वो बाबर की औलाद है। जिनको राम मंदिर जाते हुए शर्म आती है, जिनको राम मंदिर जाते हुए शर्म आती है वो बाबर की औलाद है। जिनको राम मंदिर जाते हुए शर्म आती है, जिनको राम मंदिर जाते हुए शर्म आती है वो बाबर की औलाद है। मुझे पता नहीं आप कभी राम मंदिर गई नहीं गई, परंतु जिनको राम मंदिर जाते हुए शर्म आती है वो बाबर की औलाद है। जिन्ना की मजार पर अब लेकिन मुझे आगे बढ़ने दीजिए, जिन्ना की और बात है, और बाबर की बात कर रहे हैं आप, भगवान आप कभी गए राम मंदिर नहीं गए मुझे पता नहीं, वॉलेट मत, आप राम मंदिर गए नहीं गए, सीरियल मत कीजिए, मैं वॉलेट नहीं कर रहा, आप राम मंदिर गए नहीं गए, जिनको राम मंदिर जाने में शर्म आती हो वो बाबर की औलाद है। आरपी सिंह ठीक है, अनुप्रिया आप इस बयान से सहमत है? आई एम सेल्फ टेलिंग यू, आपने पूछा बाबर की औलाद कौन, मैंने बताया बाबर की औलाद कौन है। जितना अत्याचार बाबर ने देश पे किया,